अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एकदम खस्ता करारी और एकदम फूली फूली खस्ता कचौरी बनाने की रेसिपी। मैं यहाँ पर हमें कचौरी बनाने के लिए आटा तैयार कर लेना है। तो एक बोल में मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। अगर आप इसको वेट में मेजर करेंगे तो ये 300 ग्राम मैदा है। आधा टीस्पून इसमें डालेंगे अजवाइन और 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे और 1/4 कप डालेंगे इसमें घी। और इसको दोनों हाथों से हम इस तरह से रब करेंगे। अब हमें आटे को और घी को बहुत अच्छे से हाथों से इस तरह से रब करना है। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी होता है, इसी से जो घी है वो मैदे में बहुत अच्छे से मिक्स होगा। अब हम 1/2 कप पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे और इसका एक टाइट डो बनाएंगे। इसका जो आटा गूंथता है वो टाइट गूंथता है। अच्छे से पंच लगा कर मैंने इसको 4-5 मिनट के लिए गूंधा है और ये देखिए मैंने एकदम टाइट आटा गूंधा है, आप देख सकते हैं। अब हमें इसको थोड़ा सा इसके ऊपर तेल या फिर घी अप्लाई कर देना है जिससे कि इसकी ऊपरी परत ना सूखे और उस पर पपड़ी ना जमे। कचौड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मूंग की दाल ली भी है, मैंने 1/2 कप मूंग की दाल ली थी। फिर मैंने इसको बहुत अच्छे से धोया और फिर मैंने इसको 2-3 घंटे के लिए भिगो दिया। तो अब ये बहुत अच्छे से भीगी हुई है। अब हमें इस दाल को छान लेना है, तो इसको हम एक छन्नी पर रखकर छान लेंगे और 2 मिनट के लिए इसको इसी छन्नी पर छोड़ देंगे। हमें इस दाल को पीसना है लेकिन काफी ड्राई फॉर्म में पीसना है, इसमें पानी नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो दाल को मैंने ग्राइंडर में ट्रांसफर कर दिया है। 10-10 सेकंड के लिए ग्राइंडर को चलाएंगे और इसको दरदरा सा पीस लेंगे। हमें इसको बिल्कुल दरदरा पीसना है, फाइन नहीं पीसना है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये देखें दाल को मैंने इस तरह से दरदरा सा पीसा है। इसको फाइन नहीं पीसना है, इस बात का ध्यान रखना है, बस दरदरा सा पीस लेंगे। दाल में तड़का लगाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसमें मैंने 1 टीस्पून लिया है सफेद, 1 टेबल स्पून कुटी हुई सौंफ लेंगे। सौंफ को दरदरा सा कूट लीजिएगा और 1 टेबल स्पून कुटा हुआ साबुत धनिया लेंगे। ये सिंपली कुटा हुआ है, भुना हुआ नहीं है, सिर्फ मैंने धनिया को कूट लिया है। अब हमें कुछ पाउडर मसाले चाहिए। 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्चों का पाउडर लेंगे, 1 टेबल स्पून लेंगे धनिया का पाउडर और 1/2 टीस्पून लेंगे गरम मसाले का पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी लेंगे और 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर लेंगे, 1 टेबल स्पून लेंगे अमचूर का पाउडर यानी कि मैंगो पाउडर और 1/2 टीस्पून शक्कर यानी कि चीनी लेंगे। शक्कर ऑप्शनल है, आपको मिठास पसंद हो तभी डालिएगा। इसके अलावा हमें यहाँ पर 2 टेबल स्पून चाहिए है बेसन। बेसन जो है हमारी दाल में जो मॉइस्चर होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और 1 टीस्पून हमें अदरक चाहिए, अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब हम एक पैन में 3 टेबल स्पून के करीब तेल को गरम करेंगे। जब तेल गरम हो जाएगा हम इसमें जीरा, हींग, सौंफ और धनिया जो हमने लिया था वो डाल देंगे और इसको हल्का सा क्रैकल होने देंगे। जब इसमें से हल्की सी खुशबू रिलीज होने लगेगी तब हम डाल देंगे इसमें बेसन और लो और मीडियम फ्लेम पर हम इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे। बेसन में जब एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तब तक हम इसको भून लेंगे। बेसन में एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है तो अब हम इसमें सभी पाउडर मसाले डाल देंगे और मिला देंगे इसको। हमें यहाँ पर इन मसालों को 2 से 3 मिनट के लिए लो और मीडियम फ्लेम पर भूनना है। इसी बीच हमने जो अदरक लिए वो भी इसमें डाल देंगे। धीमी आंच पर इनको भूनेंगे ताकि हमारे मसाले ना जलें। और मैं इसमें हल्दी डालना भूल गई थी तो मैं 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी भी डाल रही हूँ। जब हमारे मसाले हल्के से भुन जाएंगे तब हम इसमें डाल देंगे दरदरी पिसी हुई दाल। और अब हमें यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर दाल को भूनना है जब तक जो दाल में थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर दिख रहा है वो ख़त्म नहीं हो जाता है, तब तक हम इसको भूनेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैंने दाल को भूना है। हमारी दाल भून भी गई है और पक भी गई है, इसमें जो कच्चापन था वो भी ख़त्म हो गया है और जो इसमें मॉइस्चर था वो भी ख़त्म हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब दाल थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो हम इसमें से छोटे छोटे से पोर्शंस लेंगे जो कि हमें कचौड़ी में फिल करने और इसको इस तरह से बाइंड कर लेंगे। अगर आपको बाइंड करने में दिक्कत आ रही है तो आप इसमें 1 से 2 टीस्पून तेल डाल सकते हैं जिससे कि आसानी से बाइंड हो जाएंगे। और छोटे छोटे से हमें इसके बॉल्स बनाने हैं, जो छोटा नींबू होता है उसके बराबर हमें इसके बॉल्स बना लेने हैं इस तरह के। इधर हमारे आटे को रेस्ट करते हुए तकरीबन 1/2 घंटा हो चुका है तो अब हमें इसके छोटे छोटे से पेड़े काट लेने हैं।
अब इसको इस तरह से गोल कर लेंगे, स्मूथ कर लेंगे और हथेली से इसको इस तरह से प्रेस करेंगे और ये बाहर जो क्रैक्स हैं इसको अंदर की साइड में ले लेंगे ताकि जो हमारी कचौरी है वो स्मूथ बने। और इस तरह से इसको कटोरी का शेप देंगे, इसके किनारों को दबाते हुए थोड़ा सा कटोरी नुमा इसको शेप दे देंगे और इसके किनारों पर लगा देंगे पानी। पानी लगाने से जो हमारी कचौरी है वो सिक्योर हो जाएगी क्योंकि पानी जो है इसको चिपकाने का काम करेगा, तो अच्छे से इसको सिक्योर करना ज़रूरी है वरना फिर फ्राई करते टाइम कचौरी खुल जाती है। और अब बीच में रख देंगे मूंग की दाल का जो हमने छोटा सा लड्डू बनाया है और इसको अच्छी तरह से इस तरह से एक के ऊपर एक प्लेट्स लगा कर इसको सील कर देंगे। तो वो अच्छे से इसको सील करेंगे, पोटली नुमा इस तरह शेप दे देंगे, एक के ऊपर एक प्लेट्स चढ़ा देंगे और इसको इस तरह से प्रेस कर देंगे और इसको इस तरह से घुमा देंगे। इसको अच्छे से सील करना ज़रूरी है वरना फिर कचौरी खुल जाती है। अगर यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा आटा दिखे तो फिर उसको आप हटा भी सकते हैं। और अब फिर से इसको हथेली से इस तरह से बढ़ा लेंगे इसको इस तरह से, अच्छे से सील है ये देखिए, आप देख सकते हैं। फ्राई करना है तो यहाँ पर धीमी आंच पर तेल को गर्म करेंगे, लो फ्लेम पर तेल को गर्म करेंगे, टेम्परेचर चेक कर लेंगे, इसके अंदर एक बॉल डालेंगे आटे की, वो नीचे ही रहनी चाहिए, बबल्स फॉर्म हो लेकिन बॉल अचानक से ऊपर ना आए, तो समझ लीजिए कि इसका टेम्परेचर एकदम परफेक्ट है कचौरी फ्राई करने के लिए। कचौरी को हमेशा धीमी आंच पर फ्राई करा जाता है। तेल को धीमी आंच पर गरम कर लीजिए, जब तेल अच्छे से गरम हो जाए लेकिन धीमी आंच पर गरम हो तब इसमें कचौरी डालिए। मीडियम फ्लेम पर या फिर हाई फ्लेम पर कभी भी कचौरी फ्राई नहीं करी जाती है, कम से कम 15 से 20 मिनट हमें इसको फ्राई करना है, तो सब्र के साथ इसको फ्राई करिएगा क्योंकि इसको फ्राई करने में वक्त लगता है। जब कचौरी खुद ब खुद ऊपर आएगी तब इसकी साइड को बदलेंगे। तो ये देखें अब ये जो कचौरियाँ हैं खुद ब खुद ऊपर आने लगी हैं, तो अब हम इसकी साइड को बदल देना है। और ये देखें शायद मैंने इसको ठीक से सील नहीं करा है तो मेरी एक कचौरी यहाँ पर खुल गई है, तो ये गलती आप मत करिएगा, अच्छे से सील करिएगा। तो अब धीमी आंच पर इसको कम से कम 15 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। आप देखेंगे कुछ ही देर में हमारी कचौरियाँ खुद ब खुद फूलना शुरू हो जाएंगी और इसी तरह की एकदम फूली और खस्ता कचौरी हमें चाहिए। तो अभी तकरीबन 15 मिनट हो गए धीमी आंच पर इनको पकते हुए, कचौरियाँ अच्छे से पक तो गई हैं, फूल भी गई हैं, लेकिन अभी इनमें थोड़ा कलर कम आया है, तो इनमें कलर लाने के लिए गैस की फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर देंगे, मीडियम फ्लेम पर कर देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम करने के बाद हमें 5 मिनट के लिए इसको और पकाना है जिससे कि हमारी कचौरी में दोनों तरफ अच्छा सा रंग आ जाए। तो अभी मीडियम फ्लेम पर मैं इसको पका रही हूँ अच्छा सा कलर आ जाने तक। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 20 मिनट हो गए मुझे इन कचौरियों को पकाते हुए, 15 मिनट मैंने इनको लो फ्लेम पर पकाया था और लास्ट में 5 मिनट मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया। मीडियम फ्लेम करने से हमारी कचौरियों में अच्छा सा कलर आ गया और अब ये परफेक्टली फ्राई हो चुकी हैं। इस तरह से हमारी मूंग की दाल की एकदम खस्ता और फूली फूली कचौरियाँ बनकर तैयार हैं जो कि बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, ज़रूर से आप भी ट्राई करिएगा। और यहाँ पर हमारी कुल मिलाकर तकरीबन 12 से 13 कचौरियाँ बनकर तैयार हुई हैं। तो इस तरह से हमारी एकदम खस्ता और फूली फूली कचौरियाँ बनकर तैयार हैं। ये काफ़ी फ्लेकी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, अभी ये काफ़ी गर्म है लेकिन फिर भी मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ ताकि आप अंदर का टेक्सचर देख पाएँ। ये देखें एकदम परफेक्ट हमारी कचौरी बनकर तैयार है।